हेलो गाइस, वेलकम है सभी को मेरे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भाई मास्टरबेशन के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो अगर आप मास्टरबेशन को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में हैं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नंबर वन, बहुत से लोगों का मानना है कि भाई तुम अगर मास्टरबेशन करोगे तो तुम अंधे हो जाओगे। सो गाइस, ये बात 1000% रॉन्ग है, क्योंकि मास्टरबेशन एक नेचुरल हैबिट है, इससे इंसान अंधा नहीं होते हैं। नंबर टू, लोग सोचते हैं कि मास्टरबेशन से तुम पागल हो जाओगे। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मेडिकल साइंस में आज तक ऐसी केस के बारे में कभी भी सुनी नहीं गई कि मास्टरबेशन के लिए लोग पागल हो गए हैं। सिंपल सी बात है, आप अगर एडल्ट हो तो आज तक एटलीस्ट एक बार तो तुमने मास्टरबेशन जरूर की होगी, तो तुम खुद को ही देख लो, ठीक हो या पागल हो गए हो। नंबर थ्री, बहुत लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन से तुम्हारे हाथों में बाल आ जाएंगे। दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मास्टरबेशन से। नंबर फोर, बहुत लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन से तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि इससे तुम्हारे शरीर से जो हार्मोन निकलती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट विटामिंस एंड प्रोटीन्स भी निकल जाती है। तो अगर तुम मास्टरबेशन के बाद सही से विटामिंस टाइप एंड प्रोटीन टाइप खाना लोगे तो ये प्रॉब्लम से इजीली छुटकारा मिल जाएगा। नंबर फाइव, कुछ लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन इज ओनली फॉर मैन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेक्स हर एक इंसान को चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो मास्टरबेशन सभी के लिए होते हैं। मेडिकल साइंस की रिसर्च बताती है कि 75% मेल एंड 90% फीमेल मास्टरबेट करती है। नंबर सिक्स, क्या मास्टरबेशन एक बीमारी है? ऐसा सोचने वाले लोग अब इस गलतफहमी से निकलो, क्योंकि मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, अगर नहीं करोगे तो वो आपके लिए बीमारी है, लेकिन मास्टरबेट लिमिट में करना जरूरी है, ज्यादा भी आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। नंबर सेवन, क्या मास्टरबेशन से इनफर्टिलिटी हो जाती है? तो जवाब है नहीं। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मास्टरबेशन के कारण तुम सेक्स नहीं कर पाओगे तो ये बात पूरी तरह से गलत है, बल्कि असली सच तो ये है कि अगर तुम मास्टरबेट नहीं करोगे तो तुम सेक्स नहीं कर पाओगे। नंबर एट, लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ सिंगल लोग ही मास्टरबेट करते हैं? तो जवाब है नहीं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यानी कि जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, वो भी मास्टरबेट करते हैं। नंबर नाइन, कुछ लोगों का मानना है कि मास्टरबेशन से इंसान की स्ट्रेस बढ़ती है, बट रियल ट्रूथ ये है कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप मास्टरबेशन करो स्ट्रेस फ्री होने के लिए, क्योंकि मास्टरबेशन ही है जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकल सकती है। नंबर टेन, अगर तुम हद से ज्यादा मास्टरबेट करोगे तो तुम्हारा पेनिस में प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक तुम दिन में 2-3 बार मास्टरबेट करते हो तो जरूर ये तुम्हारी पेनिस के लिए हार्मफुल है, तो इसको लिमिट पे रख के करना ही बेटर है आपके लिए। अगर आप वीडियो को देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वरना मेरा क्या, मैं तो हर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस को अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, कहीं आप मेरी वीडियोस को मिस ना कर जाओ। अब तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा अंगूठा, तुम ही डिसाइड कर लो ऐसे ही मजेदार वीडियोस को आगे चल के देखना है या नहीं।